अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अच्छी बातों का एक्सरसाइज के साथ आज हाजिर हुए हैं, तो इसमें कुछ हम छोटी सी रिव्यू ले लेते हैं कि उसमें हमने चैप्टर में क्या क्या अच्छी बातें पढ़ी जो हमें अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए, जिससे हमें ना सिर्फ फ़ायदा होता है बल्कि अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो चलिए आइए इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी सरगर्मियाँ, पेज नंबर 29, सवालों के जवाब लिखिए। दादी बच्चे दादी जान से किस बात की फरमाइश कर रहे थे? दादी जान ने बच्चों से क्या कहा? सुबह अच्छी तरह नाश्ता करना क्यों ज़रूरी है? हसन ने जो बातें बताई इनमें से आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और क्यों लगी? फातिमा की किन बातों से अंदाज़ा होता है कि वो अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखती है? खूब अच्छी तरह सोच कर लिखें आपकी तीन अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं। हमने इन तमाम सवाल के जवाब जो हैं वो बुक में पढ़ लिए हैं। आपने इनके सवाल के जवाब खुद से लिखने हैं, बुक चैप्टर को रीड करके लिखना है, और अब लास्ट क्वेश्चन में आपने अपनी कोई तीन अच्छी आदतें लिखनी है उर्दू की कॉपी में। पहले आप इसके एक पेज राइटिंग कर, अच्छा पेज नंबर 30 है, नीचे लिखी बातों को गौर से पढ़ें और लिखिए कि कौन सी अच्छी बात अच्छी है और कौन सी बुरी, अच्छी और बुरी बात, उसके आगे आपने टिक लगाना है। ठीक है, दो कॉलम्स आपको दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ अच्छी बातें दी हैं। छुट्टी के दिन देर से तक सोना, अपनी चीज़ें बहन भाइयों के साथ बांटकर खाना, अपने जूते अम्मी से पॉलिश करवाना, अब्बू या अम्मी से अपनी पसंद की चीज़ मंगवाने की जिद करना, कभी कभार अपने दोस्त का काम अम्मी अब्बू या किसी और से करवाना, रात को देर तक जागने के लिए टेलीविज़न देखना, बड़ों को अदब से सलाम करना, बड़ों की बातों के दरमियान बात करना, बाग में फूल देखकर तोड़ लेना, खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना। अब आपने अच्छी जो बात अच्छी उसके आगे अच्छी के कॉलम में टिक लगानी है, जो बात बुरी है उसके आगे आपने बुरी के कॉलम में टिक लगानी है। ठीक है, ये काम आपने उर्दू की कॉपी बुक में ही करना है और क्वेश्चन आंसर आपने उर्दू की कॉपी में करना है। ठीक है, पेज नंबर 31 है कवायद, ये काम आपने उर्दू, ये जो एक्सरसाइज दी हुई है आपने ये बुक में भी सॉल्व करनी है और ये पूरी एक्सरसाइज आपने उर्दू की कवायद की कॉपी में भी सॉल्व करनी है। मुतरादिफ अल्फाज, इस सबक में एक मुरक्कब दो लफ्ज़ों का मजमूआ हल्की फुल्की इस्तेमाल हुआ है, इन दोनों का एक ही मतलब है, यानी अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज भी कहा जाता है। नंबर 3, दिए गए खाली जगहें रंगीन अल्फाज के दुरुस्त मुतरादिफ अल्फाज से पूर करें, आपकी आसानी के लिए गानों में चंद मुतरादिफ अल्फाज दिए जा रहे हैं। तो हम मुतरादिफ अल्फाज उन अल्फाज को कहा जाता है, ये पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा चुका है ग्रामर में, जो कि लिखने में तो अलग अलग होते हैं, जिनमें वर्ड्स यूज अल्फ़ाबेट्स अलग यूज़ होते हैं लेकिन उनके मीनिंग चेंज नहीं होते, सेम होते हैं उनके मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है लेकिन उनकी मीनिंग जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो क्या है यहाँ पे कुछ कॉलम दिए हुए, उनमें क्या है, अल्फाज पतला मुन्नी पलूटा सवेरे तंदुरुस्ती सुथरा, मेरी एक नन्ही डैश बहन है, मेरी एक नन्ही मुन्नी बहन है, हम सुबह डैश उठते हैं, हम सुबह सवेरे उठते हैं, मैं हमेशा साफ डैश रहता हूँ, मैं हमेशा साफ सुथरा रहता हूँ, मेरा दोस्त दुबला डैश है, मेरा दोस्त दुबला पतला है, काला डैश कौवा दीवार पर बैठा है, काला कलूटा कौवा दीवार पर बैठा है, सेहत और डैश के लिए वर्जिश ज़रूरी है, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश ज़रूरी है। ये काम आपने उर्दू की बुक में भी करना है, उर्दू की कवायद की कॉपी में भी इस चैप्टर की हेडिंग डाल के करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।